वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी के पकौड़े की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल गोभी, और गोभी को मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट किए हैं, और पानी गर्म हो रहा है, पानी बॉयल होगा तो इसको मैं गोभी को डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पानी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें ये गोभी डालेंगे। गोभी हमारा वॉश था, और इसको ये अब हम अपने गैस को करेंगे ऑफ, और पानी में 2 से 3 मिनट के लिए इसे से रहने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और अब मैं अपने गोभी को पानी में से निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोभी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें 1/2 कप बेसन डालेंगे, 1/4 कप चावल का आटा, 2 ग्रीन चिली को मैंने फाइन चॉप किया है, और थोड़े से ये कोरिएंडर लीव, 1/2 टीस्पून के करीब अजवाइन, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, अब हम इसे मिक्स करेंगे। जितनी हमें पानी की ज़रूरत होगी उतनी हम मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। अब हमें अपने हाथों से मिक्स करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें 1/2 कप वाटर लगा है, इसको हमें मिक्स करने में, पकौड़े का बैटर तैयार करने में 1/2 कप पानी लगा है। ये हमारा मिक्स हो गया, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये थोड़ा सा बेसन का बैटर डालकर देखते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें मीडियम कर देंगे फ्लेम को, और इस तरह से हम गोभी के छोटे छोटे पीसे डालते जाएंगे। रेड चिली पाउडर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे पोर्शन लेकर आप ऐसे डाल दें। इसे हम मीडियम टू हाई पे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोभी का पकौड़ा फ्राई हो रहा है, अब मैं इसे फ्लिप करती हूँ। सर्दी में आप बनाइए इवनिंग स्नैक्स में, और एंजॉय कीजिए चाय के साथ। ये देखिए फ्रेंड, हमारे गोभी के पकौड़े में कलर आ गया है, हमें इतना ही फ्राई करना था, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें इस पकौड़े को निकाल लेना है। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से।
चावल का आटा डालने से क्या होता है, आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप चावल का आटा ज़रूर डालें, अगर डालते हैं तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, अगर नहीं डालते हैं तो ज़रूर डालें। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, गोभी का पकौड़ा फ्राई हो गया और इसे मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है और साथ में चाय भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दावती किचन। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय बाय।